आज हम कारगिल चौक में आए हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि हमारे जो उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा एस के साहू जी हैं, ये कुछ बैठक का आयोजन कर रहे हैं। साहू जी, क्या क्या बैठक हो रहा है आज की बैठक में? मेन जो इशू हैं, जो हमारे नए चीफ वार्डन श्री कमल घनसाला सर हैं, उन्होंने आदेश दिया है कि सबसे पहले लाइफ सपोर्ट्स की ट्रेनिंग प्रशिक्षण स्टार्ट होगा, जिसके लिए हर पोस्ट वार्डन पे जाकर के बैठक का आयोजन किया जाना है और उसका प्रचार प्रसार किया जाना है। इसी उद्देश्य को लेकर के सर्वप्रथम यहाँ पे कारगिल जो पोस्ट है वहाँ पे बैठक की गई प्रज्ञा भरद्वाज जी के यहाँ। तो आज जो है उनको प्रशिक्षण के बारे में अवगत भी कराया गया और साथ में जो बहुत गरीब लोग हैं और उनका भी जो है हेल्थ चेकअप के लिए हमारे कमल घनसाला सर ने मुझे निर्देश दिए कि वो भी तैयार किए जाएं, जिसमें से 30 से 35 लोगों का प्रतिदिन जो है ग्रैफिक एरा हॉस्पिटल में चेकअप होगा, फ्री चेकअप होगा। तो आज जो ये बैठक संपन्न हुई तो इसमें हमारे जो पोस्ट वार्डन हैं, इन्होंने जब से सिविल डिफेंस में भर्ती हुई हैं इन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किए हैं। तो आप इनसे मालूम करते हैं कि इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं जो उपलब्धियों में हमारे सिविल डिफेंस में हैं। बताएं मैडम, आपने क्या क्या काम किया है? जी प्रणाम सर, मैं विमला शर्मा पोस्ट 11 से हूँ और मुझे 10 साल हो चुके हैं सिविल डिफेंस में। मैं अभी गरीब बस्ती में, मैंने अभी BPL कार्ड बनवाए और उज्ज्वला योजना की गवर्नमेंट की स्कीम थी उसमें 150 गरीब फ्री कनेक्शन बंटवाए और आए दिन हम भी छोटे मोटे काम करते रहते हैं, जैसे वृक्षारोपण और जो भी दिखता है करते रहते हैं, बाकी काम हम गरीबों की सेवा वगैरह। आप अपना परिचय भी देंगी प्रज्ञा मैडम आप? हाँ जी, मैं एक फ्रीडम फाइटर की बेटी हूँ, मैं अल्मोड़ा से हूँ। मैं एक्टिव पोस्ट वार्डन है, इनके अंदर इतना जज्बा है कि जब भी कोई मीटिंग होती है तो तुरंत ये ऑर्गेनाइज करती हैं और अपने समस्त पोस्ट के जितने भी सेक्टर वार्डन हैं उनको तुरंत इकट्ठा करती हैं। तो इनके जज्बे को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट जो KRT टीम बनाई जाएगी वो पोस्ट कारगी से होगी, जिसमें एक हमारे साथ हैं प्रज्ञा सेक्टर वार्डन हैं जिन्होंने आज यहाँ बैठक आयोजन की है, वो भी अपना परिचय देंगी। नमस्कार, मैं प्रज्ञा भारद्वाज कारगी से। मैं पिछले 22 साल से समाज सेवा में हूँ और हम लोगों का हमारा एक स्पेशल स्कूल है और एक हॉस्टल है जहाँ पे हम लोगों ने आज ये बैठक की है। बाकी मैं NCC से हूँ, सी सर्टिफिकेट ए ग्रेड, और जूडो में मैंने 5 साल जो है नेशनल चैम्पियनशिप के लिए है। साथ में मेरा रेड क्रॉस के साथ में फर्स्ट एड का ट्रेनिंग हुआ है। एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी मैं हम लोग 18 साल से काम कर रहे हैं। साहू सर, आपके सुभाषिस पूरे सिविल डिफेंस को या पूरे समाज को? जो हमारा नागरिक सुरक्षा विभाग है वो केवल यही उद्देश्य है कि जन प्रत्येक व्यक्ति के पास हमारा सिविल डिफेंस का विभाग प्रचार प्रसार हो और आम जनमानस में इस सिविल डिफेंस की छवि अच्छी हो, इसके लिए हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं। मेरी नियुक्ति अभी 8 दिसंबर 2023 को यहाँ पे हुई है और जिस दिन से चार्ज लिया गया है उस दिन से जो हमारे निदेशक केवल खुराना सर हैं उनका केवल यही उद्देश्य है कि पूरे शहर में नागरिक सुरक्षा विभाग को प्रत्येक व्यक्ति ये समझ सके कि नागरिक सुरक्षा विभाग क्या करता है और जिससे नागरिक सुरक्षा विभाग की छवि अच्छी हो आम जनमानस में, हम वो प्रत्येक कार्य करेंगे जिससे कि इस विभाग को सब लोग पहचानें और हमारा विभाग क्या क्या काम करता है ये शीघ्र ही सभी लोग को पास समय के अनुसार पहुंच जाएगा।